देखिए, कितना ही सोच लूँ मन करता है, पर एक्चुअली ओलंपिक से पहले ही ये डिसाइड हो गया था। मेरे कोच ने मुझे बोल दिया था कि आपको छुट्टी लेनी है 3 महीने की, बिकॉज मुझे यहाँ चोट काफ़ी लग गई थी, रिकॉयल से, पिस्टल के रिकॉयल से, और यहाँ से भी स्किन निकलने लग गई थी। तो ये प्री डिसाइडेड ही था, तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता था। और जो डिसाइड हो गया था, चाहे मेडल आता चाहे नहीं आता, तो रिगार्डलेस ब्रेक लेना ही था। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल एक फाइनेस्ट कॉम्पिटिशन है, बिकॉज चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस मेक इट टू द वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव जो है इनका सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव होता है। और इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिलना, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो लंबे आने वाले दौर में बहुत मदद करेगा आगे। प्रेशर हैंडलिंग कह लो, चाहे यू नो परफॉर्मेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस कह लो, क्योंकि होम ग्राउंड में अलग ही तरीके का प्रेशर होता है। सो आई वुड से एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड डू योर बेस्ट एंड डू नॉट बी अफ्रेड, हैव फेथ इन योरसेल्फ। सर, पहली बात सबसे अच्छा मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत समय के बाद बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाई हूँ, और मैं बहुत अच्छे से नींद ले पाई हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ें वही हैं। और मैं घर का खाना खा पाई हूँ, तो ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग, लोगों से मिलना, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस तरीके से रखना चाहती हूँ कि लाइफ के हर एक पार्ट में मैं इक्वली अपने आप को जितना हो सके सीख दूँ और अपने आप को इन्वॉल्व रखूँ। बट जहाँ तक बात मेरे स्पॉट की आती है, आई डोंट थिंक मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी कि वापस मुझे यहाँ आने में, बिकॉज़ मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगर ऑल दो मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ, बट मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करती रहती हूँ। बट यही है कि कॉम्पिटिशन्स हारना और जीतना एक पार्ट है लाइफ के। इसके बाद भी आगे आने वाले टाइम में भी मैं कुछ हारूंगी भी, कुछ जीतूंगी भी, बट जर्नी बहुत मैटर करती है, हमारा माइंड सेट बहुत मैटर करता है, और मुश्किल नहीं होगा वापस आना। थैंक यू। आपने इंजरी की बात की, अभी फुल्ली रिकवर्ड है कोई? जी, ये पूरा जा चुका है, ये पूरा हील हो चुका है, और स्कैपुला मेरा पूरा ठीक हो चुका है। सो या ओलंपिक के बाद कितना मसरूफ, कितने बिजी रहा शेड्यूल, कितना एंजॉय किया, और मतलब क्या ऐसा कभी लगा है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? कभी कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही शायद हो रहा है इधर उधर जाना, बट मेरे लिए ठीक भी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, और पिछले इन 8-8.5 साल में मैंने ज़्यादा इवेंट्स कभी अटेंड नहीं किए हैं, और मुझे मैं काइंड ऑफ इन्जॉय भी करती हूँ कि चलो ये भी एक लाइफ का पार्ट है। अलग अलग लोगों से मिलने का जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अलग अलग बच्चों से बात करने की जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर वाई नॉट। और अभी मेरे पास टाइम है जो मेरे कोच ने दिया है मुझे, तो आई एम मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड ऑफकोर्स आई नो माई गोल इज शूटिंग ओनली, एंड यू नो बडी नीड्स टू रिमाइंड मी ऑफ दैट प्लीज़। सर, ट्रेनिंग मैं नवंबर में कम्प्लीटली शुरू कर दूंगी, बट बीच बीच में आई डू ट्रेन अ लिटिल बिट कर्निंग सिंह पे भी और प्राइवेट रेंजेस पे।